हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया 3 जून को उसके बारे में, और वो डिसीजन था इंडिया का नाम इंडिया से भारत में बदल देने के लिए। मतलब इंडिया को तो भारत बोलते भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी इंडिया को भारत ही कहा गया, मगर इसे ऑफिशियली भारत ही कहा जाए हर जगह पर दुनिया के हर पार्ट में, तो इंडिया नाम को ओमिट करने की बात हो रही थी यहाँ पर। तो देखते हैं इस वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्या डिसीजन लिया इस मैटर में। एक 3 जजेस बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग ऐसा कोई भी फैसला नहीं दे सकते जिससे कि जो नाम होता है हमारे कंट्री का उसे चेंज कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब कि इंडिया और भारत एक ही हैं। बट इस पे पिटिशनर का यही कहना था कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ऊपर से इससे हमारे कल्चरल इथोस को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। और तो और उन लोगों ने ये भी कहा कि ये जो इंडिया है ये कॉलोनियल रूल का सिंबल है, ये स्लेवरी का सिंबल है हमारे कंट्री के लिए। और तो और इसे ब्रिटिशर्स ने दिया है, जो लोग हम पर हुकूमत कर रहे थे, जो लोग हमें डिस्ट्रॉय कर रहे थे, एक तरह से हमारे रिसोर्सेज को लूट रहे थे, और उनका ही दिया हुआ नाम हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हो सकता है एक्सेप्टेबल थी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी उस समय भी इस पर बातें हुई थी, इस पर डिस्कशंस हुए थे, मगर उस वक्त शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये लगा कि अभी पहले देश ज़रूरी है, बाद में इसका नाम रख लेंगे। तो इसलिए उस समय इसमें एक ऐसा ही नॉर्मल सा अमेंडमेंट कर दिया गया था आर्टिकल 1 में, यही बताया गया इंडिया दैट इज़ भारत, भारत जो नाम है वही ऑथेंटिक है, वही सही है, इंडिया जो नाम है वो कि एक ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था और वो नाम हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया पिटिशनर का। और जो पिटिशनर है उनका यही कहना था कि इंडिया जो नाम है उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दिया जाए और हर जगह भारत ही यूज़ हो। 15 नवंबर 1948 में इस चीज़ पर डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी थी कि जो नाम हमारे देश का रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, मगर उस वक्त में मैंने जैसा बताया कि शायद देश को बनाना ज़्यादा ज़रूरी था उस समय, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये किस चीज़ का सिंबल बन रहा है, या उस समय ध्यान गया भी होगा तो वो उस समय प्राइम इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। मगर पिटिशनर का ये कहना कि अभी सही समय, अभी हमारे देश को एक करने का सही समय और उस नाम से छुटकारा पाने का सही समय जो कि हमें ब्रिटिशर्स ने दिया। अब नोमेनक्लेचर की बात आ ही गई है हमारे देश की, तो चलिए इसके नोमेनक्लेचर को भी थोड़ा समझ लेते हैं। मगर जो नामों का कन्फ्यूज़न है वो कहीं ना कहीं हर किसी को परेशान करता होगा, जैसा कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आपके आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा हुआ है, आपके अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर आपका लिखा हुआ होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में इतने ज़्यादा डिफरेंसेज हो जा रहे हैं, तो यही चीज़ जब बाहर जाती है हमारे देश को, जब हम लोग बाहर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये गलत मैसेज देता है, जैसा कि पिटिशनर का मानना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा एक पिटिशन डाला कोर्ट में। मगर कोर्ट का इसमें बहुत ही सही फैसला आया कि कोर्ट ने इस पे इंटरफेयर करने से ही मना कर दिया, क्योंकि कोर्ट यही चाहता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नेता हैं हमारे, जो MPs हैं, MLAs हैं, वो लोग इस पर डिस्कस करें, इसे पब्लिक फोरम में लाया जाए, तब ये पीपल्स डिसीजन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी डिसीजन बड़े आराम से दे सकता था। मगर वो एक हो सकता है वो एक ऐसा डिसीजन ना होता जो कि सारे लोगों को एक्सेप्टेबल हो, हमारे देश में हमारे देश का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि सभी को एक्सेप्टेबल हो। इस पे बहुत सारे व्यूज़ बन रहे हैं, बहुत लोगों को नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग कहते हैं कि कोई सा भी नाम रख दो कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नाम बहुत ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस के होते हैं, इसलिए जो नाम अभी है हमारा देश का इंडिया, वो हमारे अंदर बैठ गया तो हमें उसी नाम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें हमारी एथिकल वैल्यूज़ को बचाना है, हमारी ऑथेंटिसिटी को बचाना है, हम लोग किसी ऐसे नाम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि किसी बाहर से आए हुए रूलर्स ने हमें इस तरह से दिया, और जो रूलर हमारे देश को बस लूटने आए थे। तो इस पर आपका भी कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन होगा, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कर दें और मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या सोचते हो इस मैटर के बारे में। वैसे मेरा मानना तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत अच्छा था, अब ये डिसीजन ऐसा ही है, इस पिटीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कॉग्निजेंस में ले और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एज अ रिप्रेजेंटेशन मान ले, और फिर इस पर हो गए वोट डिस्कशंस, हमारे राज्यसभा लोकसभा
स्टेट असेंबलीज में डिस्कशंस डिबेट्स होंगे, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला आएगा। मगर हमारे देश का कल्चर एक हमें पता है कि हर चीज़ को हम लोग पॉलिटिसाइज कर देते हैं। इस पर भी पॉलिटिक्स ज़रूर होने वाली है, अलग अलग पार्टीज़ की अलग अलग मत बन जाएँ हो सकता है, मगर इसमें आपका मत भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आपका जो व्यू पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक करके यहाँ से जाना। थैंक यू।